नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो यह हुई थी दोस्तों 1995 में हुई थी दोस्तों। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया दोस्तों, दोस्तों वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया दोस्तों, तो दोस्तों महेश दयानंद ने दिया था दोस्तों। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों, अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ स्थित हैं दोस्तों, तो अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया किसकी यात्रा की याद में निर्माण कराया गया था दोस्तों, तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया किसकी यात्रा की याद में निर्माण कराया गया था दोस्तों, तो किसकी याद में करवाया गया था दोस्तों, जॉर्ज पंचम की याद में कराया गया था दोस्तों। गुरुदेव नानक जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, गुरुदेव नानक जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो या दोस्तों 1469 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों, 1469 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी दोस्तों, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना दोस्तों किसने की थी दोस्तों, तो यह दोस्तों की थी दोस्तों श्यामलाल गुप्त ने, किसने की थी दोस्तों, श्यामलाल गुप्त जी ने की थी दोस्तों। वंदे मातरम पहली बार किस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया दोस्तों, तो दोस्तों किस कांग पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों, तो यह दोस्तों 1896 ईस्वी में गाया गया था दोस्तों। कहाँ गया था दोस्तों, तो यह कोलकाता में गाया गया था दोस्तों। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, किस एक मात्र भारतीय को दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो दोस्तों प्रोफेसर अमृता सेन को मिला है दोस्तों। भारत में कितने प्रमुख न्यूक्लियर रिएक्टर हैं दोस्तों, भारत में दोस्तों कितने प्रमुख न्यूक्लियर रिएक्टर हैं दोस्तों, 7 हैं दोस्तों। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से यूरिया को अलग करता है दोस्तों, मानव शरीर में दोस्तों कौन सा अंग दोस्तों है दोस्तों जो रक्त से यूरिया को अलग करता है दोस्तों, तो दोस्तों गुर्दा है दोस्तों, गुर्दा जो है रक्त से यूरिया को अलग करता है दोस्तों। 2019 में दक्षिणी कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों, दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है दोस्तों, तो दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है दोस्तों। किसे मिला दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है दोस्तों। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो कौन थे दोस्तों, तो दोस्तों सिराज गोपालाचारी थे दोस्तों। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यानी कि NIC की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों, तो NIC की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो यह दोस्तों 1976 में की गई थी दोस्तों। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों, दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण दोस्तों किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों, तो यह दोस्तों रूस की सहायता से किया गया था दोस्तों, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से किया गया था दोस्तों। पहली भारतीय महिला जिसे मेन बुकर प्राइज मिला है दोस्तों, दोस्तों पहली भारतीय महिला जिसे मेन बुकर प्राइज मिला है दोस्तों कौन है दोस्तों, अरुंधति रॉय हैं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है दोस्तों, तो क्या नाम है दोस्तों, हेमेंद्री है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, हेमेंद्री है दोस्तों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह दोस्तों राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है दोस्तों।
विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो जापान की ये थी दोस्तों, जापान की जुन्को तवाई थी दोस्तों। कौन थी? जुन्को तवाई थी दोस्तों। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? ईरान का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है दोस्तों? तो यह दोस्तों मैग्नीशियम है दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? कोणार्क सूर्य मंदिर का दोस्तों निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों 1250 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। समुद्र का सबसे गहरा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? समुद्र का सबसे गहरा द्वीप समूह दोस्तों कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों मारियाना द्वीप समूह है दोस्तों। कौन है दोस्तों? मारियाना द्वीप समूह है दोस्तों। जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? जल संरक्षण अभियान की दोस्तों शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 2019 को हुई थी दोस्तों। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना दोस्तों किसने की थी दोस्तों? तो गुरु रामदास जी ने की थी दोस्तों। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है दोस्तों? दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक दोस्तों कौन है दोस्तों? तो लाला हरदयाल जी हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? लाला हरदयाल जी हैं दोस्तों। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी दोस्तों? सिख इतिहास में दोस्तों लंगर प्रथा दोस्तों किसने शुरू की थी दोस्तों? तो यह दोस्तों गुरु अंगद देव जी ने शुरू की थी दोस्तों। किसने? गुरु अंगद देव जी ने शुरू की थी दोस्तों। एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? एलपीजी गैस में दोस्तों क्या होता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों ब्यूटेन होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? ब्यूटेन होती है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद दोस्तों कौन सा दोस्तों है? वेद है दोस्तों। तो दोस्तों ऋग वेद है दोस्तों। कौन सा वेद है दोस्तों? ऋग वेद है दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। पुलवामा हमला कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों पुलवामा हमला कब हुआ था दोस्तों? तो यह दोस्तों 14 फरवरी 2019 को हुआ था दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।